संडे की स्पेशल प्लेट तैयार है, साउथ इंडियन डिफरेंट। संडे का स्पेशल नाश्ता देखिए इसमें। बारिश के बाद मौसम कितना अच्छा हो जाता है, देखिए थोड़ी देर पहले बारिश थी और अब एकदम मौसम एकदम साफ, तो थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगता है अपने आंगन में बैठते हुए और क्या चारों तरफ हरे भरे पेड़। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। मैं हैरी पांडे बागेश्वर वाली ब्लॉग से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और अभी मैं बैठा था अपने घर के आंगन में, यहाँ पर बैठना काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी पीसफुल कह सकते हैं, क्योंकि हमारे चारों ओर यहाँ आपको हरे भरे पेड़ लगे रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है बैठने में। देखिए सामने कितने अच्छे हमारे पेड़ लगे हुए हैं, हरे भरे हैं, सब मनी प्लांट लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर को भी मैंने मिर्च का पेड़ लगाया हुआ है, कितना अच्छा लग रहा। किचन से बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी, एकदम प्यारी प्यारी। तो देखते हैं आज किचन में बन गया रहा, हमारे खुशबू मुझे किचन तक खींच लाई है। और देखिए आज सामने हमारा मेरा बड़ा भाई कुछ स्पेशल बना रहा था, क्योंकि आज छुट्टी थी तो स्पेशल खाने का मन था कुछ। अरे वाह, अंदर जाके देखा तो यहाँ तो कुछ स्पेशल बन रहा था। आज हमारे यहाँ बन रहा था चीला भी कह सकते हैं आप, डोसा भी कह सकते हैं, हमारे अपनी भाषा में हम लोग कहते हैं आज छोई रोटी, चावल के आटे और सूजी की हमारे यहाँ पर बनती है। देखिए अभी भाभी का भी खा रही थी, पूछा कैसा हो रहा, तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि हमारे यहाँ पर सब इससे काफ़ी पसंद करते हैं। हमारे यहाँ चावल का आटा और इसमें थोड़ा सूजी मिला के हमारे यहाँ छोई रोटी बनती है। हमें कुमाऊनी भाषा में हम लोग छोई रोटी कहते हैं, लेकिन आप लोग इसे डोसा भी कह सकते हैं, चीला भी कह सकते हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, भाभी का कहती आप भी खाओ, मैंने कहा अभी खाऊंगा, तो भाभी का खा रही थी अभी। आज हमारे घर में बनी थी छोई रोटी नाश्ते में सुबह के, काफ़ी टेस्टी होती है जो चावल के आटे और सूजी से मिलाकर बनाई जाती है, और हमारे यहाँ पर तो ये बड़ी चाव से खाई जाती है। छोई रोटी का जो बैटर हम तैयार हो गया था, और देखिए अब बनना शुरू हो गया था, तो एक तवे में इसे डाल दिया था। देखिए इसे डोसे की तरह ही आप ऐसी स्प्रेड कर लीजिए, फैला लीजिए, और इसमें उसके बाद घी या ऑयल जो भी आपको पसंद है वो डाल दीजिए, और थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल एकदम तैयार हो जाएगी। इसे ढक दीजिए, क्योंकि ढक के ये अच्छी तरह पक जाती है और खाने में तो काफ़ी टेस्टी होती है, इसका कोई जवाब नहीं। हमारे यहाँ पर को तो कुमाऊँ में ये बड़े चाव से खाई जाती है, हम इसे बोलते हैं छोई रोटी, हमारी भाषा में कुमाऊनी भाषा में बोली जाती है इसे छोई रोटी। तो अभी बन रही है, देखिए एक साइड अगर पक जाए तो उसे आप पलट लीजिए, और एकदम ये कुरकुरी खाने में काफ़ी मज़ा आता है। आप इसे चटनी के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, क्या मस्त खुशबू आ रही थी एकदम। देखते ही मन कर रहा था कि सीधे तवे से निकले और मेरी प्लेट में आ जाए। अभी पहले सब बना लेते हैं, उसके बाद हम इसे खाएंगे। अभी बन रही है, देखिए दोनों साइड इसी तरह आप करारा कर लीजिए बिल्कुल एकदम। हमारे यहाँ पर जो छोई रोटी अभी बन रही है, हम इसे जाड़ों में और गर्मी में दोनों सीजन में खाते हैं, लेकिन बेसिकली ये जो खाई जाती है जाड़ों में ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि जाड़ों में इसे हम खाते हैं हरी सब्जी के साथ, क्योंकि उसमें आपकी ग्रीन वेजिटेबल काफ़ी हुई रहती हैं, उसके साथ इसका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। आप पालक या लाई मिक्स साग बनाइए और फिर इसके साथ ये छोई रोटी खाइए, काफ़ी मज़ा आ जाता है एकदम मस्त। ये देखिए हमारी एकदम मस्त करारी बन गई है छोई रोटी, आप इसे डोसा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सेम टेस्ट इसका डोसा जैसा भी होता है और काफ़ी अच्छा होता है खाने में, एकदम कुरकुरी करारी। इसको आप लहसुन की चटनी बनाइए, उससे काफ़ी टेस्टी होता है, या आप सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मज़ा ऐसे चटनी के साथ आता है। देखिए एकदम करारी बनी हुई है अभी, इतनी हमारे यहाँ बन गई, इतनी ढेर सारी बना ली, और अभी बैटर है और अभी पक रही हैं और भी, और इसे बना रहे थे हमारे भाई साहब। आज मेरे बड़े भाई की छुट्टी थी तो हम सभी ने उनसे रिक्वेस्ट की आज का नाश्ता आप बनाओ, क्योंकि ये जो छोई रोटी है ये काफ़ी अच्छी बनाते हैं, और एकदम गोल और एकदम करारी और खाने में काफ़ी टेस्टी होती है। तो जब भी छोई रोटी अगर घर में हम सबको खानी होती है तो हम इन्हीं से कहते हैं कि आप बनाओ, ये काफ़ी अच्छी बनाते हैं। तैयार है आज का सुपर यमी नाश्ता, और देखिए कितने ढेर सारे हमारे यहाँ बन गए, पूरी प्लेट मेरे हाथ में आ गई,
क्योंकि भूख भी लग गई है और इन्हें देखते देखते वीडियो बनाते बनाते मेरा भी मन खाने को कर रहा है। देखिए लीजिए, ये सब हमारे प्यारे सब्सक्राइबर के लिए भी हैं। आप भी आइए फटाफट, अगर आपको हमारी ये छोई रोटी वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर हमें इसमें कमेंट करें और बताइए आपको हमारी ये आज की डिश कैसी लगी। और आप लोग के यहाँ भी अगर ये बनती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें कि आप लोग इसे कैसे तैयार करते हैं और कैसे बनाते हैं और क्या क्या मिलाते हैं इसमें। कुमाऊँ की ये स्पेशल डिश है और इसे बड़े चाव से खाया जाता है। और सामने मेरा भाई बना रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बनाने थे और अभी बन रहे थे। इसका बैटर एकदम ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह आप पतला पतला बनाइए, जितना आपका पतला होगा बैटर उतनी अच्छी करारी आपकी छोई की रोटी बनती है। और इसमें हमने मिलाया था कसूरी मेथी, अजवाइन, और देखिए पूरी आपके लिए भी तैयार है। तो फटाफट आइए और हमारे साथ नाश्ता करिए। दोस्तों आपके लिए थाली हमारी तैयार है आज के नाश्ते की। और देखिए इसमें हमारे हैं छोई की कुरकुरी और स्वादिष्ट रोटियां, इसे आप पहाड़ी डोसा भी कह सकते हैं। और साथ में है एकदम चटपटा तीखा तीखा मिर्च का अचार घर में बना हुआ। और देखिए सॉस है और इसमें हमारी स्पेशल सब्जी है जो हम इसके साथ खाते हैं। और देखिए आपका हरी मिर्च, हरी मिर्च भी आपको दो टाइप की दिख रही होंगी, एकदम पीली पीली और एक हरी हरी, दोनों का अलग अलग टेस्ट होता है। यह है टमाटर सॉस, लेकिन हम इसमें कुछ चीज़ें और भी मिलाते हैं जिससे ये काफ़ी टेस्टी बन जाता है, एक चटनी जैसा बन जाता है। वैसे तो चटनी है लेकिन इसमें हम थोड़ा हल्का सा हींग, थोड़े हल्के मसाले, थोड़ा काला नमक मिलाते हैं तो ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। छोई की रोटी के साथ ये सब्जी खाई जाती है, काफ़ी स्पेशल सब्जी होती है। हमारे कुमाऊँ में काफ़ी चाव से इसे खाते हैं। इसमें कई सब्जियों को मिलाकर हम इसे बनाते हैं, जैसे सांभर बनाते हैं ना, सांभर में कई सब्जियां होती हैं, वो थोड़ा पानी वाला होता है तो ये थोड़ा सूखा होता है। इसमें है लौकी है, शिमला मिर्च है, आलू है और तुरई है। और सामने हमारी देखिए एकदम तीखी तीखी मिर्च का अचार, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है और काफ़ी स्वादिष्ट है होता है ये अचार, बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट। हमारी प्लेट तैयार है ये हमारे प्यारे सब्सक्राइबर के लिए। तो आप भी आइए फटाफट, मुझे कमेंट करिए कि आपको ये हमारी आज की थाली कैसी लगी। अगर इसको आपको खाना है तो फटाफट अच्छे अच्छे कमेंट करें और ये थाली तुरंत आपके पास आ जाएगी। देखिए थाली तैयार हो गई है और देखते ही इसमें मुंह में पानी आ गया मेरे तो। हमारी नाश्ते की प्लेट एकदम तैयार है, इसमें सारी चीज़ें रख दी गई हैं और जो हम छोई की रोटी के साथ खाते हैं। देखिए चटनी है, सब्जी है, अचार है, मिर्च है, सभी लोग गर्मा गर्म इसे खा रहे थे। देखिए मैंने भी अपनी प्लेट बना ली थी, सामने मेरा भाई था और वो अभी बना रहा था क्योंकि सभी लोग खा रहे थे गर्मा गर्म। तो मैंने बोला उससे, देखिए सामने देखा और हेलो बोल, सभी सभी से हेलो बोला था। अब ये बताएगा ये कैसी बनती है। कुमाऊँनी भाषा में छोली रोटी कहते हैं जो कि चावल के आटे से बनाई जाती है। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें ऐड की हैं, कसूरी मेथी, हींग, अजवाइन, काला नमक एंड हल्के फुल्के मसाले, जिससे कि अजवाइन और हींग से तुरंत डाइजेस्ट हो जाते हैं क्योंकि चावल थोड़ा सा भारी होता है और इससे क्या होता है कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगता है, बहुत कम समय में ही तैयार हो जाते हैं। और ऐसे इनको, इसका ये पतला सा घोल इसको बनाया जाता है क्योंकि ये घोल बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना गाढ़ा ये अगर होगा तो ये उतना अच्छा नहीं बनता और क्रंची नहीं बनेगा। तो इसको एक इसकी कंटेंसेंसी जो होती है ये बिल्कुल इस तरह से होती है। ये देखिए बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो आइए खाइए आप लोग भी, कहाँ कहाँ से इसको देख रहे हैं इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और
किसी भी तरह की जानकारी हो तो आप हमें कमेंट्स कीजिए। हमारी प्लेट भी लग चुकी थी और मैं ले आया था इसे, अब मैं बैठ के खाऊंगा आराम से, हॉल में बैठ के इसे खाऊंगा, अपना नाश्ता इंजॉय करूंगा। देखिए सामने हमारा लियो, लियो सोच रहा क्या लेके आया है, मुझे भी खिलाएगा। और देखिए बड़े गौर से मेरी प्लेट को देख रहा था, लेकिन ये खाता कहाँ है, इसे तो ये चीज़ें कहाँ पसंद आती है। और देखिए सामने देखा है, ये सोच रहा है कि ये क्या खा रहा है। सामने भाभी का बैठी थी, टीवी देख रही थी, मैंने कहा चल खाएगी, कहती मुझे भी टेस्ट कराऊँ मामा, चलो मैंने कहा तो इसी से पूछते हैं सबसे पहले कि कैसा बना है। मैंने उसे एक बाइट सारी चीज़ों में लगा के दी और कहती काफ़ी अच्छा बना है, एकदम मस्त। तो चलिए अब हम भी खाते हैं। तो रोटी का टुकड़ा तोड़िए और इसमें सबसे पहले मिर्च लगाइए चटपटी, और उसके बाद इसमें सब्जी, और उसके बाद हल्के से टमाटर सॉस चटनी, और फिर इसे डालिए अपने मुंह में। चलिए ये हमारे प्यारे सब्सक्राइबर के लिए, चलिए ये आपके लिए, आप भी मुंह खोलिए। चलो हम खा लेते हैं और आपको बताते हैं इसका टेस्ट। वाह मज़ा आ गया, एक तो ये सारी सब्जियां भी उसके साथ बनी है और उसके साथ हमारी है ये हरी हरी तीखी तीखी मिर्च, और काफ़ी मस्त एकदम, काफ़ी बढ़िया नाश्ता आज का, मज़ा आ गया खाने में। तो चलिए खाते हैं, इंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। आज का स्पेशल नाश्ता तो काफ़ी बढ़िया था और काफ़ी टेस्टी भी था, और मुझे तो काफ़ी पसंद आया आज का नाश्ता। और अभी मैं इसको खा रहा था, इंजॉय करते हुए खा रहा था, सामने टीवी देखते हुए देखते। तो बताइएगा आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो क्या करना है आपको, फटाफट लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।